नमस्ते सर सर थैंक यू आपने इंजीनियरिंग किया यस yes, सर और इंजीनियरिंग करने के बाद जाना चाहिए इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहिए था सर इंजीनियरिंग के दौरान जो मेरा इंटरेस्ट है वो सिविल सर्विसेज की तरफ हो गया था और मैंने फोर्थ ईयर से ही सिविल सर्विस की तैयारी स्टार्ट कर दी थी प्लेसमेंट भी नहीं लिया था भी नहीं लिया नो सर सर क्यों sir, मुझे सिविल सर्विसेज जो है वो ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी और जो मेरा कंट्रीब्यूशन है मैं सिविल सर्विसेज में ज्यादा कर पाऊंगी कैसे लगी आपको इंटरेस्टिंग सिविल सर्विसेज सर ये मुझे एक जॉब सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है उसके साथ एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि मैं सोसाइटी को गिव बैक कर सकूं और कंट्री के गवर्नेंस में एक पार्ट बन सकूं सोसाइटी गिव बैक तो एनजीओ के लोग ज्यादा अच्छा कर पाते हैं वो बहुत अच्छा सर लेकिन जो एनजीओ है उनका जो फील्ड है वो एक स्पेसिफिक हो जाता है और बहुत सारे कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं जैसे रिसोर्सेज की कमी होना उनके पास जो डिसीजन मेकिंग पावर्स है वो भी इतना नहीं होता जितना एक सिविल सर्वेंट के पास होता है आपने इलेक्ट्रिकल से किया है यस yes, सर तो राजस्थान में अगर इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में देखें तो आपको क्या लगता है क्या क्या सुधार होने चाहिए सर जो राजस्थान है वो रिन्यूएबल एनर्जी में एक प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रहा है जैसे सोलर सिटीज है वो डेवलप की जा रही है सोलर पार्क्स डेवलप किए जा रहे हैं और अभी जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी आई थी उसमें भी सर 65 गीगावाट सोलर और 15 गीगावाट जो विंड पावर है उसका भी रखा गया है और अभी हाल ही में जो सोलर रूफटॉप्स है उनको भी बढ़ावा देने के लिए भी सर स्टेप्स किए जाए संभावना है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं yes, वर्तमान में समस्याएं क्या देखते हैं सर जो लॉसेस है जो कमर्शियल लॉसेज है इलेक्ट्रिसिटी और की वजह से उन्हें और भी कम किए जा सकते हैं और डिमांड सप्लाई में कोई गैप है अभी? Yes, sir. कितना गैप सर वो एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम लेकिन जैसे मॉनसून सीजन और में जो गैप है वो देखा गया था अभी जनरली गाँव में कितने घंटे लाइट मिल जाती चौबीस घंटे मिलती है नो सर कितनी मिल जाती <laughs> सर uh, जो मेरा गांव है उसमें तो अराउंड सिक्सटीन आवर्सटीन आवर्स मिल जाती है किसानों के लिए एक इलेक्ट्रिसिटी क्षेत्र में सरकार yes, ने सर। एक राहत दी थी क्या yes, राहत थी सर uh, जो 2021 था उसमें तो था कि जो बिजली शुल्क है थाउजेंड रुपीज पर मंथ की uh, सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी और अभी टू थाउजेंड यूनिट पर मंथ जो है किसानों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं आपको लगता नहीं कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहाँ पानी बहुत कम है इस छूट को बढ़ावा देगी नहीं सर ये लॉन्ग टर्म में एक अच्छी पॉलिसी है क्योंकि सर जो राजस्थान है उसकी इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है तो अगर जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होता है तो उससे किसानों की आय बढ़ेगी और वो फिर आगे जाके जो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी हम कंजप्शन देख रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में कम हो सकता है अभी राजस्थान विधानसभा के चुनाव है यस सर कितनी तारीख में सर सर नवंबर घोषित हुए हुए थे no, sir, पहले को हुए थे नो पहले को तो उसकी वजह से जो रेशियो है परसेंटेज है वोटिंग का वो कम हो जाता है उससे क्या फर्क पड़ जाता है कम हो जाता वोटिंग परसेंटेज uh, नहीं सर हर वोट की एक वैल्यू होती है तो उसे जो uh, पॉलिटिकल uh, पार्टीज है वो भी अफेक्ट होती है और जो लोग है उनका भी इससे अफेक्ट होता है <coughs> आप नॉवल पढ़ती यस सर किस तरह के नॉवल पढ़ती हो? सर मेनली फिक्शन नॉवेल्स नॉवेल फिक्शन तो आप बताइए कि लास्ट नॉवल आपने कौन सा पढ़ा सर अभी जो है मैं एंशियस पीपल है फ्रेडरिक बैकमैन की वो पढ़ रही हूँ ठीक है, है इससे आपको क्या फायदा होता है सर नॉवल्स से जो है स्ट्रेस रिडक्शन में मदद तो मिलती है उसके साथ सर कहीं जाए बिना जो है बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ल्ड होती है डिफरेंट कल्चर्स जो ह्यूमन स्ट्रगल्स है थॉट्स है उनको समझने में मदद मिलती है इससे बहुत ज्यादा नहीं हो जाता नो सर जो फिक्शन है वो पूरा इमेजिनेशन पे बेस्ड नहीं होता जैसे एग्जाम्पल के लिए ए थाउजेंड स्पलेंडेड सनस है वो फिक्शन नॉवल्स है लेकिन वो अफगानिस्तान के बैकग्राउंड <laughs> पे बनाई गई है हमारे यहाँ जो पर्दा प्रथा है क्या वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है सर पूरा नहीं कह सकते लेकिन अगर पास्ट में देखे तो था और अभी उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है आप पहले तो संस्कृति बताइए क्या होती है और फिर पर्दा प्रथा हमारे कैसे आ गई है, पहले तो नहीं सर संस्कृति हमारे में तो एंशिएंट में तो नहीं सर संस्कृति किसी भी सोसाइटी की जो वैल्यूज ट्रेडिशंस है उसको रिफ्लेक्ट करता है और पास्ट में देखे तो जो राजस्थान है वो नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे होने की वजह से जो अटैक्स है वो राजस्थान की तरफ से होते थे तो जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा के लिए सर पर्दा प्रथा जो है वो लाई गई थी ठीक है नागौर में एक मेला भरता है पशु मेला बलदेव राम मिर्धा यस yes, सर कौन थे बलदेव राम मिर्धा सर बलदेव राम मिर्धा पॉलिटिशियन थे जिन्हें किसान नेता और छात्र नेता जो है उनके रूप में भी जाना जाता है जिन्होंने उन्होंने फॉर्मर मूवमेंट चलाया सर उन्होंने जो बैकवर्ड क्लासेस है उनके लिए मूवमेंट चलाया था कि वो भी जो कुएं है उनसे पानी भर सके और इतनी बार सांसद सॉरी सर अच्छा ठीक है आ, महिलाओं का समाज में योगदान यस yes, सर सबको पता है तो वो अपना रिप्रेजेंटेशन उतने ही नेचुरल तरीके से क्यों नहीं कर पाई जितने तरीके से पुरुष ने किया पॉलिटिक्स में सर जो पॉलिटिक्स है वो आ, पहले से देखे तो वो मेल डोमिनेटेड जो है वो देखा जाता था और जो पॉलिटिकल जो लिटरेसी है वो भी महिलाओं में कम पाई जाती थी चाहे हम रिप्रेजेंटेशन में देखे या वोटिंग में देखे दोनों में ये देखा जाता था कि जो महिलाएं हैं उनके इश्यूज है वो भी इतने हाईलाइट नहीं होते थे और उनका जो काम है वो घर तक ही सीमित रखा जाता था अभी जो रिप्रेजेंटेशन uh, मिला है रिजर्वेशन yes, से सेटिस्फाई ज्यादा मिलना चाहिए सर अभी जो है अगर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की बात करें तो उन्होंने तो फिफ्टी परसेंट जो रिजर्वेशन है उसकी बात की थी लेकिन अभी अगर वन थर्ड रिजर्वेशन मिला है तो अभी भी वो एक प्रोग्रेसिव स्टेप है क्योंकि वो महिलाएं आगे जाके रोल मॉडल साबित होगी जैसे पंचायती राज में देखा गया था तो हो सकता है कि आगे आने वाले सालों में रिजर्वेशन की जरूरत ही ना पड़े आपने कमिश्नरेट प्रणाली के बारे में सुना यस सर क्या होती है कमिश्नरेट प्रणाली सर कमिश्नरेट जो है वो जो मेट्रो सिटीज है उनके लिए है कि जो लो एंड ऑर्डर जो व्यवस्था है उसे और मजबूत की जा सके तो उसके लिए जो है जो पुलिस की जो पावर्स है उसके लिए एक अलग कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाता है ठीक है महिलाओं के लिए कोई तीन फ्लैगशिप योजनाएं बताइए राजस्थान सरकार की सर जो उड़ान स्कीम है जिसमें फ्री सैनिटरी नेपककिस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं एक अम्ब्रेला स्कीम है इंदिरा गांधी शक्ति जिसमें ना सिर्फ एजुकेशन उनकी जो एम्प्लॉयमेंट है उसके बारे में भी देखा गया है और सर जो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना है थैंक यू अभी आपने एक टर्म यूज किया था कि आप सिविल सर्वेंट इसलिए बनना चाहते हैं कि आप गवर्नेंस का पार्ट बन सके यस सर क्या मतलब है आपको साथ? क्या कहना चाह रहे हैं सर जो गवर्नेंस जो गवर्नमेंट पॉलिसी स्कीम्स वेलफेयर प्रोग्राम्स बनाती है उनको सर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट करने में सिविल सर्वेंट्स का एक बहुत बड़ा योगदान होता है तो आने के बाद उनसे जुडिशियल पावर्स जो है वो ली गई थी और जब पंचायती राज सिस्टम लाया गया था तो जो डेवलपमेंट जो पावर्स है वो भी बी की तरफ शिफ्ट की गई थी ठीक है

सर जो रेक्टिफायर है वो यूज किया जाता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए तो पहले उसे स्टेप डाउन किया जाएगा ट्रांसफॉर्मर की मदद से और फिर उसे रेक्टिफायर uh, की मदद से डीसी में कन्वर्ट किया जाएगा ठीक है अपने हाउस होल्ड इलेक्ट्रिफिकेशन जो होता है घरों में yes, ये सीरीज में होता है पैरल में सर पैरल में होता है अगर सीरीज में करते हैं तो क्या होगा सर सीरीज में अगर एक भी इक्विपमेंट uh, में फोल्ट होता है तो उसकी वजह से जो पूरा कनेक्शन है वो डिस्ट्रक्ट hmm. होता है

पॉलिटिक्स में मेल डोमिनेशन था उसमें ना सिर्फ वो एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर रहे थे उनका भी यूज किया था और सुषमा स्वराज जी की वजह से आज जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है वो भी सर प्रोग्रेसिव रही है अरावली हम हटा देते हैं अगर अरावली का एग्जिस्टेंस नहीं होगा उस yes, तो समय नागौर के क्लाइमेट पर क्या इफेक्ट होगा सर जो नागौर है जो डेजर्टिफिकेशन है वो नागौर में बढ़ेगा और जो वाइल्ड लाइफ है वो भी अफेक्ट होगी और अगर रेनफॉल में देखें तो अरावली की वजह से जो रेनफॉल है वो नागौर में इतना नहीं हो पाता है नागौर में कोई कैनाल प्रोजेक्ट वगैरह भी है सर इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक जो लिफ्ट कैनाल है पन्नालाल बाड़ूपाल वो जो है नागौर में पानी सप्लाई करती है और इसके अलावा जापान की मदद से जो डीफ्लोरिफिकेशन है वो भी चल रहा है का दरवाजा आपने देखा हुआ नो सर उसके बारे में कुछ जानते हैं सर वो जो है सूफी सेंट थे हमीदुद्दीन नागौरी उनके लिए इल्तुतमिश ने उनके सम्मान में बनाया था किस सिलसिले से थे वो सर चिश्ती सिलसिला बड़े ताजमहल का आर्किटेक्चर आप थोड़ा सा ब्रीफ में समझा सके किस तरह से बनाया गया है सर yeah. जो ताजमहल है उसमें व्हाइट मार्बल का यूज हुआ है और जो पितृ देवड़ा होता है जिसमें जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं उनका भी यूज किया गया है और सर उसमें जो आ, इस्लामिक आर्किटेक्चर आप, yes, आप, आप क्या क्या ऐसे चेंजेस करेंगे जिनसे किसानों की लाइफ वाकई पॉजिटिवलीफेक्टेड हो सकती है सर अगर प्लांटेशन से देखे तो जो सीड्स है वो ऑर्गेनिक जो फार्मिंग है और हॉर्टिकल्चर फार्मिंग है उसको बढ़ावा देने के लिए कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं उसके अलावा सर इरिगेशन में जो इसराइल की जो टेक्नोलॉजी है जैसे ड्रिप इरिगेशन है हाँ, हाइड्रोपोनिक्स है उनका भी यूज किया जा सकता है और सर कोल्ड स्टोरेज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाएगा ठीक है थैंक यू सर अभी सर को आप बता रहे थे हाइड्रोपोनिक्स यस सर क्या होता है सर उसमें मिट्टी के उपयोग के बिना जो पानी है उसी में ही वो जो पोषक तत्व होते हैं वो डाल दिए जाते हैं बहुत बढ़िया अभी सर से आप बात कर रहे थे और कह रहे थे महिला और बाल विकास ने महिलाओं के आरक्षण में पचास परसेंट yes की बात सर्थ. की थी लेकिन प्रोग्रेसिव स्टेप है जितना भी मिले yes चलिए के कंडीशन एज्यूम करते हैं और महिलाओं को सेवेंटी फाइव परसेंट आरक्षण राजनीति में दे दिया जाए yes टिकट के वितरण में आपको क्या लगता है क्या सेनेरियो हो जाएगा क्या बदल जाएगा उसमें सर उससे जो जेंडर स्पेसिफिक इश्यूज हैं उनमें रिसोर्सेज का जो एलोकेशन है वो बढ़ेगा और जो महिलाओं के जो इश्यू है जैसे चाइल्ड मैरिज है आ, है आ, सर, है सॉरी सर सेक्सुअल है उनमें भी सर जो लॉज है उनका स्ट्रॉन्गली इम्प्लीमेंटेशन भी आपका क्या मानना है 75 रिजर्वेशन महिलाओं के लिए हो जाना चाहिए नो सर सर जो इससे अच्छा होगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो अपने अंदर ही जो टिकट है वो महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा दे मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपके हिसाब से फिफ्टी परसेंट ताकि सर जो इक्वलिटी है माने, हेल्थ के yes और आपको ये जिम्मेदारी दी जाए कि आपको जो नई शिक्षा जो हम बनाएंगे राजस्थान yes के लिए उसमें जो बच्चियां हैं गर्ल चाइल्ड है, yes है उनको एजुकेशन में और आप क्या शामिल करना चाहेंगे जिसको आपने अपनी एजुकेशन के टाइम में मिस कर दिया है आपको जरूरत महसूस हुई कि उनको ये सब चीजें बीइंग ए गर्ल स्टूडेंट आनी चाहिए सर जो मेन पॉइंट है वो है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर जो वॉशरूम्स है सर उनका जो हाइजीन है वो इम्प्रूव होना चाहिए और सर जैसे जो गरिमा पेटी बनाई गई थी स्कूल्स में तो सर स्कूल के जो बच्चे हैं उनमें भी सर सेक्सुअल हरासमेंट के जो केसेस है वो देखे जा रहे हैं जिससे जो गर्ल्स का जो ड्रॉप आउट है वो भी बढ़ने के चांसेस है तो उनमें जो है इम्प्रूवमेंट होना चाहिए टीचर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फील करवानी चाहिए कि वो गर्ल्स है उन्हें सेफ एनवायरमेंट जो है वो प्रोवाइड करने के लिए स्टेप्स लें और सर क्यूरिकुलम में मतलब ये तो ठीक है स्कूल के साइड बाय साइड बातें सा क्यूरिकुलम में क्या आप एंश्योर करना चाहेंगे जो वो सीखे सर जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग है स्किल्स डेवलपमेंट है और वोकेशनल ट्रेनिंग है ये सब उनको प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि वोकेशनल ट्रेनिंग किस प्रकार की सर जैसे जो हैंडीक्राफ्ट चीजें हैं वो उन्हें सिखाई जा सके ताकि अगर वो स्कूल के बाद कॉलेज में भी नहीं जाए तो वो अपना एक स्टार्टअप या फिर जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ले सके अभी वर्तमान में हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोडक्शन है यस yes. उसमें कौन से सेक्टर से कितना जो है वो उसका स्टेक है जैसे थर्मल न्यूक्लियर yes, सर इंडिया या राजस्थान इंडिया के संदर्भ में सर इंडिया में देखे तो जो है फिफ्टी एट परसेंट के अराउंड जो है थर्मल है जिसे टारगेट रखा गया है की फिफ्टी परसेंट जो है वो अराउंड फोर्टी परसेंट है, है, है जिसमें सोलर एनर्जी का ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है कब तक का टारगेट है हमारा की फिफ्टी परसेंट रिन्यूएबल सोर्स से हो जाएगा सर दो तक कुछ हमने उसके लिए अपने लिए टारगेट जो सेट किया नाम दिया है कुछ सर उन्हें पंचामृत कहा गया था गुड uh, आपको जो है वो इंडिया में नए पावर प्लांट स्टेब्लिश करने के लिए yes. कहा जाए तो आप किसी भी पावर प्लांट को स्टेब्लिश करने से पहले क्या क्या चीजें वहां पर एंश्योर करेंगे कि ये सब चीजें होनी चाहिए सर जो पहला है कि वहां पे जो है उसकी पोटेंशियल होना चाहिए सेकंड सर जो इकोसिस्टम है वो वहां का अफेक्ट नहीं हो कि अगर वहां वाइल्ड लाइफ और एनवायरमेंट जो है वो ज्यादा है तो हमें कोशिश की जानी चाहिए कि हम वहाँ की जगह कहीं और फोकस करें जहाँ या फिर वाइल्ड लाइफ अफेक्ट नहीं हो चलिए मेरा लास्ट सवाल आपसे यस सर इंडिया में जो पावर प्लांट स्टेब्लिस्ट है उन सब में इलेक्ट्रिसिटी जो बनाने की कोस्ट है वो सभी में अलग अलग है यस सर यूनिफॉर्म नहीं है क्या कारण पाते हैं सर जो फ्यूल अवेलेबिलिटी होती है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है को ट्रांसफर करना जैसे झारखंड से राजस्थान में तो ये सारे जो फैक्टर्स है ये भी अफेक्ट करते है। sir, hmm. है? sir, 50 है. 50 हैं सर प्लीज जिले कितने सर अभी फिफ्टी है फिफ्टी है संभाग sir, 10. में कौन कौन से जिले सर तीन जिले आते हैं बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ पाली में सर पाली जालोर सिरोही और सांचोर अभी किन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं सर पांच राज्य है राजस्थान एमपी, तेलंगाना मिजोरम और छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ चत्तिस के मुख्यमंत्री का नाम क्या है सॉरी सर थैंक यू थैंक यू